अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं शेयर कर रही हूँ एक न्यू रेसिपी जो है कॉर्न समोसा, जो ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में, गेस्ट के लिए और बच्चों के टिफ़िन में देने के लिए परफेक्ट है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैदा लिया है और इसे अच्छी तरह छान लिया है। मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून कैरम सीड, अजवाइन और 1 टीस्पून ऑयल ऐड किया है और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब नॉर्मल वाटर लेके इसे नीड करेंगे, जैसे आटा लगाते हैं रोटी का, उसी तरह हम इस मैदे का भी आटा लगाएंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए मैंने आटा लगा लिया है और अब इसको रेस्ट करने के लिए रख दूंगी मैं। 1/2 आवर या 15 मिनट्स भी इनफ है। मैंने यहाँ बॉयल्ड पोटैटो लिए हैं, मैंने 2 पोटैटोज़ लिए थे, 2 आलू उबले हुए, उसे मैंने मैश कर लिया है मैशर से। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, 1/2 अनियन मीडियम साइज़ का और ग्रीन चिली ऐड कर दिए हैं। सौते करेंगे 1 मिनट के लिए। अब इसमें 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले इस तरह हैं, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा है कुटा हुआ, और कुटा हुआ धनिया है 1/2 टीस्पून, और ज़ीरा है 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून अमचूर पाउडर है। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, उन्होंने अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए भून लिया है। भूनने के बाद मैंने मैश किए हुए आलू ऐड किए हैं और इसे अच्छी तरह मिलाएंगे। इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे और अब इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और साइड में रख देंगे। जो मैंने आटा लगाया था वो सॉफ्ट हो गया है। अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। अब इसकी मैं पतली सी एक रोटी बेलूंगी, जिस तरह हम रोटी बेलते हैं उस तरह हम रोलिंग पिन से बेलिंग की मदद से रोटी बेलेंगे और इसे सेक लेंगे। रोटी को फुल सेकना नहीं है, हमें 1/2 टर्न करना है और इसको कट कर लेना है 4 पीसेस में। मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया है। अब ये जो मैंने रोटी को कट किया है, इसमें स्लरी बना के कॉर्नर्स को इस तरह लगाऊंगी कि कोन शेप में बन जाए। इस तरह से हम लगा देंगे। ये दोनों कॉर्नर्स को ऐड कर रहे हैं ये इस तरह, और लास्ट में ख्याल किए चाहिए कि इसमें होल ना रहे, क्योंकि इसमें ऑयल जाएगा तो मेरे सारे मसाले बाहर आ सकते हैं। अब जो हमने आलू का मसाला बनाया था उसको फिल कर दिया है इस तरह से। अब इसको स्लरी में डिप करेंगे। डिप करने के बाद अच्छी तरह लगा देंगे। आप चाहे तो इस पॉइंट पर इस तरह से लरी लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, बट मैंने इसमें सेव लगा दिए हैं और सेव लगा कर इस तरह डन करेंगे। ये देखिए इस तरह मैंने बना लिए हैं सारे। अब इसको फ्राई कर रही हूँ मीडियम हीट पर। जिस तरह हम समोसे फ्राई करते हैं उसी तरह हमें फ्राई करना है। ये देखिए नीचे तरह गोल्डन हो गए हैं, एक एक करके हम निकालेंगे। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के बने थे। अब ज़रूर ट्राई करिएगा, सॉस के साथ या चटनी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।